काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पर हमला बोला है। समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी को लेकर कुणाल चौधरी ने कृषि मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री रोज झूठ बोलने की दवा लेकर झूठ बोलने का काम करते हैं। कृषि मंत्री ने डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि मसूर, रायडा व चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन मौके पर जाकर देखा तो इनके द्वारा कोई भी खरीदी शुरू नहीं की गई है। तारीख लगातार मिलती जाती है और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री रोज झूठ बोलने की दवा लेकर रोज झूठ बोलने का काम करते। कल एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट में कि मैंने कहीं ना कहीं इसकी डेट कर दी और कहीं ना कहीं रायड़े की, मसूर की, चने की खरीदी चालू कर दी। आज जाके देखते हैं तो ना तो खरीदी चालू होती है, पहले 15 तारीख दी गई, फिर 22 तारीख दी गई और लगातार झूठ बोलने का काम सत्ता के अंदर बैठ के लोग करने का काम करते हैं। किसान प्रताड़ित है। हमारी मांग पहले ही थी कि जिस दिन किसान की कटाई शुरू हो उस दिन सीधा खले से लेके वहां पे सोसाइटियों में जाना चाहिए ताकि उसकी या तो सोसाइटियों में बेच दे या फिर अगर अच्छा भाव मिले तो बाजार में बेचने का काम कर दे। पर चंद चुनिंदा उद्योगपति और व्यापारियों से मिलके जो हम दो और हमारे दो की सरकार है, इसी जनता के भले को नहीं चाहती है और किसान के प्रति जिस प्रकार के नेगेटिव भाव को रखने का काम करती है उसी का नतीजा है कि आज किसान की फसलें इस खुले आसमान के नीचे बारिश के अंदर पड़ी और जब यहाँ पे इसमें मॉइस्चर हो जाएगा तो उसके नाम पे खरीदी नहीं करेंगे। पैसे की लूट कैसे करी जाए, कैसे सोसाइटियों से भ्रष्टाचार के अड्डे को बनाया जाए, यह सोच प्रदेश की सरकार की स्पष्ट है। खरीदी जल्द से जल्द चालू करी।